मोदी जी के स्टेटमेंट, वो भी हैदराबाद में भाग्यनगर में। हम आपको आज सीधा नजारा दिखाएंगे, पर आप देख सकते हैं पूरी देसी गाय है। कत्ल खाने पुलिस वाले खुद लेके जा रहे हैं, गायों को छोड़ के आ रहे हैं। ये मोदी जी की सबसे बड़ी विफलता है। ये देश द्रोही है, मायम वाले। अगर बैल है तो जाने देंगे। क्या है ये सब, आप इसमें भी क्या अंतर लगते हैं क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में? MIM ग्रुप वालों ने कत्ल खाने में ले गए जी, तो उसको काट दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ। भारत देश में संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, संतासाराम जी बापू का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि हमारी सरकार आने के बाद में भी आज आसाराम बापू जी अंदर है। इसे बोलते हैं देश का खून। खुले आम आंधे हुए पब्लिक वे से लेके जाया जाता है, किसी को बनक भी नहीं लगता इसमें गोवंश जा रहा है। इस तरह से हाईटेक पद्धति से ये गो हत्यारे, जो भारतवर्ष में गो हत्या पे कानून होने के बावजूद गो हत्या करते हैं, वो लोग इस तरह के कंटेनर का सहारा लेके गो माताओं का वध करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैदराबाद में हैं। हम आपको आज सीधा नज़ारा दिखाएंगे कि आज हैदराबाद में क्या हो रहा है। बहुत समय से, बहुत बार आपने कई बातों को सुना होगा, देखा होगा, और गौरक्षक के विषय में आपने कई सवालों को समझा होगा। आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जिस ट्रक के ऊपर आज हम खड़े हुए हैं, उस ट्रक के नीचे गाय हैं, और वो गाय पूरी देसी गाय है, और ये स्थान हैदराबाद है। आपको हम नीचे का दृश्य दिखाते हैं। आप देखें नीचे ये दृश्य है, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी देसी गाय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाय जो आप देख रहे हैं, ये कितनी जर्जर अवस्था में है। आप सामने देखें, जो हमारे सामने गाय है, ये शायद जीप निकल गई है, आधी मर चुकी है, या फिर अभी इसको चेक किया जाएगा। अभी ये ट्रक पूरा खोला नहीं गया है, अगर मर गया गाय। आप देख सकते हैं आगे कि यहाँ पर देखें आप कि गाय किस स्थिति में ला के रखी गई है। यहाँ पर दो सीढ़ी हैं, मतलब दो लेयर्स हैं, एक नीचे की लेयर्स है जिस लेयर में गाय हैं, और ऊपर की लेयर्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें गाय हैं। जब ऐसे ट्रक पकड़े जाते हैं, तो बोला जाता है कि ऐसे ट्रकों में भैंस होती है, बैल होते हैं, और उनको ले जाकर कत्लखानों में काटा जाता है। लेकिन ये वो ट्रक है जिस ट्रक में टोटल गाय है, वो भी देसी गाय है, भारत की देसी नस्ल है। आखिर ऐसा हो रहा है, वो इस आज़ाद भारत में हो रहा है, और वो सीधा हैदराबाद में हो रहा है, जिस ट्रक को आज पकड़ा गया। अभी इस ट्रक को खोला नहीं गया है, क्योंकि बोला गया है कि अभी पुलिस आएगी, पूरी कार्रवाई होगी, उसके बाद इसे खोला जाएगा। बोलना कुछ भी नहीं है सब, ट्रक लाए हैं कि भाई चेक करने के लिए, अगर गाय हैं तो निकाल लेंगे, अगर बैल है तो जाने देंगे, इतनी बात है। क्योंकि चेक करने के लिए आए हैं यहाँ पर, सूलन कानून के हिसाब से भी दिया गया है कि भाई गांव पे कोई रोक लगे, अपने बैल पे कुछ रोक लगे नहीं है, गाय पे जो रोक लगे हुआ है, हम भी ये बात मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि अगर गाय हैं तो बिल्कुल नीचे उतारना ज़रूरी है। शंकर भगवान का वाहन माना जाता है बैल को। आपने देखा AIM ग्रुप के जो यहाँ पर लीडर हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बैल है तो जाने देना चाहिए। आज भी हमारे कत्लखानों में ये हालात हैं कि जो नंदी, मतलब शंकर भगवान का वाहन है, आज उसे भी बेरहमी से काटा जाता है। ये हमारे आज़ाद भारत की जीती जागती निशानियाँ हैं। आगे हम आपको ले चलते हैं यहाँ के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं की तरफ। हालात तो बहुत गंभीर है, क्योंकि गाय माने हिंदू समाज का एक आधार है, और भारत देश में जितनी गाय कटती है शायद किसी राज्य में या किसी देश में नहीं कटती। सर ये भी तो आप देखें कि यहाँ पर बात उठी कि गाय को हम बचाएंगे और बैल को हम काटेंगे, तो क्या है ये सब, आप इसमें भी क्या अंतर रखते हैं क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में? हम तो गाय हो या बैल का बछड़ा हो, हर एक को बचाने की हम एक विचारधारा, एक संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी कानून है, गाय हो या बैल हो या बछड़ा हो, किसी प्रकार के कोई भी किसी को नहीं काटना चाहिए इस प्रकार का। तो कुछ समय पहले जिस तरीके से बताया गया, कुछ लीडर्स हमारे सामने आए थे, तो क्या इसमें भी आप टिप्पणी करेंगे? आप ये देशद्रोही है MIM वाले, और आज अभी थोड़ी देर पहले जो आपने जिसका स्टेटमेंट लिया है वो MIM का कॉरपोरेटर है। ये तो गाय को काटने की खुलेआम बात करते हैं, और गाय के ऊपर ये लोग राजनीति करते हैं, और आज हमारे इस तेलंगाना राज्य में
कई ऐसे गौ भक्त है जो अपनी जान हथेली पे रहकर गौ रक्षा के प्रति कार्य कर रहे। अभी अभी कुछ ही देर पहले ही ये गाड़ी पकड़ी गई है यहाँ के गौ रक्षकों द्वारा। दूसरा स्टेटों में से इधर आ रहा, अंदर घुस रहे गाड़ियाँ, इतने गाड़ियाँ अंदर घुसे तक पुलिस वाले क्या कर रहे, चेक पोस्ट क्यों ना लगा रहे अपना गाँव में आके अपने गाँव में अपने। वो तो बोलते हैं कि भाई गौ रक्षक चोर होते हैं। नहीं, वो तो अभी तो काफी स्टेटमेंट ऐसे बोले गए गोरक्षक चोर हैं, तो क्या आप चोर हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बोलने वाले नहीं वैसा नहीं, गोरक्षक चोर है बोल के, गोरक्षक के नाम से एक दो चोर होंगे कोई, वो हमारा ओरिजिनल गोरक्षक करने वाले हम, भारत माता के बेटे हैं हम। राजा सिंह जी, आपको हैदराबाद का हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है। जितनी आप बुलंद आवाज में गोरक्षकों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि आज भारत देश में संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, संत आसाराम जी बापू का विषय है, 3 साल से उनको जेल में रखा गया है, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, क्या आज उस सब्जेक्ट में भी आप आवाज़ उठाएंगे? ऐसा है, हम पहले से ही आसाराम बापू जी के प्रति, नारायण स्वामी जी के प्रति हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आवाज़ उठाए, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्ष से आसाराम बापू जी, नारायण स्वामी जी जेल में बंद है, उनका क्या कसूर है? उनका सिर्फ इतना ही कसूर है कि जो कन्वर्शन यानी जो हिंदुओं को, जो क्रिश्चियंस में जो कन्वर्शन किया जा रहा था पूर्ण, वहाँ वहाँ जाकर आसाराम बापू जी ने उन सभी को हिंदू धर्म में वापस लाया, यानी घर वापसी का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया है उन्होंने, उनका ये कसूर है। उनका कसूर है कि उन्होंने अपने बल पर हिंदुत्व के प्रति, धर्म के प्रति उन्होंने प्रचार किया, उनका ये कसूर है। वो समय पर कांग्रेस की सरकार थी, वो समय पर एक षड्यंत्र पूर्वक आसाराम बापू जी और उनके बेटे के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया, और किसी भी प्रकार के, यानी अगर कोई भी व्यक्ति को अगर किसी कोई केस में अगर अरेस्ट किया जाता है तो जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करने के बाद में उनके ऊपर केस शुरू होता, लेकिन 3 साल हो गए अब तक कोई चार्जशीट नहीं, कोई प्रूफ नहीं केस का कि उनके ऊपर जो आरोप लगे, जो संगीन जो आरोप लगे, एक संत के ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं आज तक वो आरोप प्रूव नहीं हुए, इसलिए उनको तुरंत जेल से रिहा करने की आज आवश्यकता। साथ ही साथ सिर्फ आसाराम बापू ही नहीं, ऐसे कई साधु संत हैं जिनके ऊपर षड्यंत्र पूर्वक उनको टारगेट करके उनको बदनाम किया जा रहा या कुछ साधु संतियों को मरवा दिया जा रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते ये शब्द मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गौ भक्तों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, ऐसे हर हिंदू को गर्व होता है कि आज जो सरकार है वो हमारी है। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि हमारी सरकार आने के बाद में भी आज आसाराम बापू जी अंदर है, कई साधु संतों के ऊपर आरोप लगते हैं, उनके ऊपर FIR होती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, ये थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं हर हिंदू से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे भारत देश में छिड़ने की आवश्यकता है उन साधु संतों के लिए जिनके करकमलों द्वारा आज हम गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। इसलिए मैं हर आसाराम बापू जी के जितने भी जो समर्थक है, जितने भी जो साधक है, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक संगठन का निर्माण करने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता है, और एक कोई भी एक तारीख डिसाइड कीजिए कि करोड़ों की संख्या में साधक है, करोड़ों की संख्या में हमें चलो दिल्ली का या जहां बोले वहां जो साधक या जो अधिकारी गण डिसाइड करेंगे, जहां बोले वहां, मैं तो तन मन धन के लिए हर चीज़ से मैं तैयार हूं, आसाराम बापू जी के लिए मैं जो बोले वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब बहुत हो चुका, आसाराम बापू जी को जेल से बाहर आने की आवश्यकता है। इसे बोलते हैं देश का खून। आज भी वो पार्टी में है, बीजेपी पार्टी में है, लेकिन उनके अंदर आज भी हिंदुत्व के प्रति वही कट्टरता है। गौरक्षा का सब्जेक्ट रहा हो या फिर संत आसाराम जी बापू का सब्जेक्ट रहा हो, राजा भाई ने जिस तरीके से हैदराबाद में अपनी आवाज़ को बुलंद किया, आपको हमने प्रत्यक्ष दिखाया। आज भारत का समाज इस प्रत्यक्ष नज़ारे से अपना निर्णय ले सकता है। हैदराबाद में उस दिन गाय पकड़ी गई जी, आपने बहुत सारी भूमिकाएं वहाँ पर बताई, गाय वहाँ पर आई, MIM ग्रुप वाले खड़े हुए थे वहाँ पर, राजा भाई के लोग भी खड़े हुए थे जी, तो क्या प्रोसेस उसके बाद फिर क्या हुआ? जो ये रात में उस दिन आप भी वहाँ पे आए थे, आपने रिकॉर्डिंग लिया था, 11 बजे तक कंटेनर को खोला नहीं गया था,
हमारे नेता राजा सिंह को भगा दिया गया था। हिंदू नेता एक ही थे, वो एक ही नेता आगे आता है हमेशा से। हैदराबाद में न भाजपा वाले न कोई आगे आता है, जो कार्यकर्ता थे वो सामान्य कार्यकर्ता है, उसको मतलब किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलता है, फिर भी वो आगे आगे करते हैं। तो उस समय AIMIM के गुंडों ने कम से कम 100 से 150 गुंडे वहाँ पहुँच गए अपनी अपनी निजी कारों में, पुलिस वालों का सहयोग लिया गया। 3 एरिया के पुलिस के इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच गए थे अपने अपने सब इंस्पेक्टर्स और जवानों को लेके। वहाँ पे वो एरिया छावनी में तब्दील हो गया था, भय का प्रांत बन गया था। गौशाला में गायों को उतराने गया था, आपने देखा था कि वहाँ पे 1 साल से लेके 2 साल के बीच के बछड़े थे, उसका एक कानून है, AP स्लॉटर हाउस एक्ट 1977 का एक एक्ट बना हुआ है, वो एक्ट का भी नियम का भी कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई गई। और आपके चैनल में AIMIM के गुंडे ने वो नेता ने कहा था अगर बछड़े तो हम ले जाएंगे, मतलब उनको कानून के भी ज्ञान नहीं है और पुलिस वालों को भी पता नहीं है एक्ट क्या होता है। सरासर पुलिस वाले भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो गौसेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा है। हमारे लड़कों ने सवेरे 100 नंबर पे डायल किया था 10 बजे, पुलिस वालों के सामने गाड़ी पकड़ी थी, पकड़ने के बाद में पुलिस वालों के साथ में गाड़ी पकड़ने के बाद में हमारे लड़कों को सवेरे से शाम तक भूखा प्यासा। रात को 11 बजे के बाद फिर क्या हुआ? 11 बजे के बाद में हमको बताया गया कि इस गौशाला में गाय फिट नहीं रहेंगी, हम दूसरी गौशाला में शिफ्ट करेंगे। हमने उसके बाद में क्या हुआ, जैसे कंटेनर को जैसे 15-20 PCR वैन आ गई थी, ACP सब सारे लोग आ गए थे, उन्होंने गाड़ी को आगे लेके मूव किया। मूव करने के बाद में बहादुरपुरा एक इलाका हैदराबाद का है, ओल्ड सिटी इलाका है, वहाँ पे स्लॉटर हाउस है और वहाँ पे हैंड में हाथ से भी कटाई होती है, वहाँ ले जाया गया। पुलिस वाले साथ में थे, सारे बछड़ों को वहाँ पे छोड़ दिया गया, कत्ल खाने के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 1 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन के पास में वो कंटेनर आया, पूछने के बाद में हमारे को किसी तरह का जवाब नहीं मिला। मतलब ऐसा आपका कहना है कि बाद में उस कंटेनर को पुलिस की सहायता लेकर MIM ग्रुप वालों ने कत्ल खाने में ले गए जी, उसको काट दिया गया गायों को काट जी, हाँ जी। अच्छा, आपके जो साथी थे सहभागी थे उनका उनके साथ क्या किया गया? हमारे जो साथी थे 3 साथी थे हमारे, वो बच्चे ये ज़्यादा बड़े भी नहीं है, पढ़ाई करने वाले लड़के, गौ माता की भावना उनके शरीर में खून में रग में है, खानदान में हिंदू धर्म में है। तो वो लोग सवेरे 10 बजे के समय में गौ सेवा के लिए जैसे सूचना मिली प्राप्त हुई थी तो वो पास में थे, पहुँच गए थे। पुलिस को 100 नंबर पे डायल किया, डायल करने के बाद में पुलिस के सहयोग से गाड़ी पकड़ी और पुलिस वालों ने ही उनको PCR में बिठा के पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। बिठाने के बाद में फॉल्स केस उन पर लगाया गया कि ड्राइवर को पीटा है, पैसे छीने, मोबाइल छीना है। मैं एक बात बता दूं कि पुलिस वालों के सामने 100 नंबर पे फोन करने वाला आदमी गलत नहीं कर सकता, पुलिस वाले साथ में थे, अगर थे तो उनके पास में बताया क्या चीज़ मिला है। उनके ऊपर फॉल्स केस लगा दिया गया, अभी जेल में है, अभी उनको कोर्ट ले जाया गया है, ऊपरपल्ली कोर्ट राजेंद्र नगर रंगारेड्डी जिले में पड़ता, वहाँ ले जाया गया, अभी उनको बिल दिलवाना है। अच्छा, दूसरा कि आपके ऊपर भी कोई दबाव डाला गया? हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है निरंतर, हमारे ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, अत्याचार भी हो रहे हैं और हमारे लोग ही हमें कहीं कह रहे हैं कि आप गौ सेवा मत करो। और बड़े किसी पुलिस ऑफिसर से सूचना मिली है कि आप ही के लीडर ने, मोदी जी ने कहा है उसका पालन हम कर रहे हैं, यानी कि गौ हत्या के विषय में मोदी जी स्वयं जिम्मेदार है। हम गली गली, बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर घूम के हमने एक निष्ठा थी, आस्था थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, राष्ट्रमाता बन जाएगी, स्लॉटर हाउस बंद हो जाएगी और गौ एक राष्ट्र प्राणी घोषित किया जाएगा, राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। लेकिन उसके एकदम अनुरूप मोदी जी के स्टेटमेंट, वो भी हैदराबाद में भाग्यनगर में गुंडों को, जो देश विरोधी लोग हैं वो लोग, एक MLA को भी मान्यता ना मिलते हुए उन लोगों को पुलिस वाले मान्यता दे रहे हैं और बाई फोर्सली जो सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हुए एकदम खुलेआम कत्ल खाने पुलिस वाले खुद लेके जा रहे हैं, गायों को छोड़ के आ रहे हैं। ये मोदी जी की सबसे बड़ी विफलता है। हमको तकलीफ हो रही है, हम गौ सेवा करते हैं, गौ माता को माता मानते हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले गौ माता की जय का नारा दिया था, वो एक फाल्स था, एक झूठा था, एक दिखावा था। वो गली गली गौ माताओं के गोरक्षों से मतलब उनकी सहायता से प्रधानमंत्री बन गए। हमने आपको जिस घटना का विवरण दिखाया, ये पूरी घटना हैदराबाद की है, ये वही हैदराबाद है जहां पर आकर मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था। जो गौरक्षक 100 नंबर डायल करके गौरक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं कि यहां गाय कटने के लिए जा रही है, उन्हीं गौरक्षकों को चोर बनाकर जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या ये उचित हो रहा है? इन तमाम बातों का विवरण हमने आपको दिखाया, यहाँ के कार्यकर्ताओं की स्थिति हमने आपको दिखाई, आगे हम आपको और भी सच दिखाएंगे। इसी साथ में रूपेश, नमस्कार।